हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 22 स्टार्ट करते हैं। सेशन 22 स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सभी के लिए सफिक्सेस की लिस्ट बनाई है, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सफिक्सेस बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताता है। सफिक्सेस की हेल्प से आप वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे। एक नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करना, एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करना, एक वर्ब को वर्ब की तरह और एक एडवर्ब को एडवर्ब की तरह, आप सभी को वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिफाइन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाउन सफिक्स ए एन सी ई या फिर ई एन सी ई की बात करूं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्स है जो किसी एक्शन, प्रोसेस या फिर स्टेट को बताता है। कहने का मतलब है ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस हो गया द स्टेट ऑफ ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। इसी तरह से हमारा डिपेंडेंस, इसमें भी ई एन सी ई लगा हुआ है ना, तो ये क्या बताएगा, किसी एक्शन, प्रोसेस या स्टेट को। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द स्टेट ऑफ, उसके बाद डेफिनेशन हमारी चलेगी, जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट। एक्चुअली हम जिस वर्ड को डिफाइन करते हैं वो वर्ड डेफिनेशन में नहीं आता है, तो इसकी डेफिनेशन होगी द स्टेट ऑफ डिपेंडेंट को हम रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट फ्रेज से, द स्टेट ऑफ रिलाइंग ऑन और बीइंग कंट्रोल्ड बाई समवन और समथिंग एल्स। करेक्ट। इसी तरह से अगर मुझे आई ओ एन अगर किसी वर्ड में आता है, तो आई ओ एन भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्स है जो किसी एक्ट या प्रोसेस या स्टेट या कंडीशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिटेक्शन को डिफाइन करना है, तो मैं कहूँगा द एक्शन ऑफ या फिर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब हो गया हिडन। इसी तरह से है ISM, ISM होता है एक्ट, प्रैक्टिस या फिर प्रोसेस को कहेंगे, या फिर स्टेट और डॉक्ट्राइन को कहेंगे। डॉक्ट्राइन होता है बिलीफ या फिर सेट ऑफ बिलीफ्स। तो फेमिनिज्म हो गया बिलीफ इन, उसके बाद डेफिनेशन चलेगी। मटेरियलिज्म हो गया बिलीफ, उसके बाद डेफिनेशन चलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये कोई मैथमेटिक्स या कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है जहां पर आपके पास एक रूल है और उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज है, कई सारे वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके लास्ट में ए एन सी ई या फिर ई एन सी ई लगा हुआ है, लेकिन उनकी डेफिनेशन एक्शन, प्रोसेस या फिर स्टेट से स्टार्ट नहीं होती। कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आई ओ एन लगा हुआ है, लेकिन उनकी डेफिनेशन एक्ट या फिर द प्रोसेस ऑफ या फिर द स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ से स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन उनकी डेफिनेशन एक नाउन की तरह ही होगी, बस स्टार्ट ऐसे नहीं होगा। तो आप लोगों को अपने अप्रोच में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जरूर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी नाउन सफिक्सेस को लिस्ट किया है, सभी नहीं, मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं है, ये बस आप लोगों को एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग वर्ड्स को उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे बाय यूजिंग द सफिक्सेस, सफिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन सफिक्सेस हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव सफिक्सेस मैंने लिखे हैं, जैसे कि ए बी एल ई, आई बी एल ई, एक पेयर है एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स का, जिसका मतलब होता है केपेबल ऑफ या फिर वर्दी ऑफ, जैसे कि डिपेंडेबल हो गया हमारे पास, वर्दी ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन या फिर ट्रस्ट वर्दी। इसी तरह से वर्ब सफिक्सेस एफ वाई, आई एफ वाई और आई जेड ई, ये दोनों मोस्ट कॉमन वर्ब सफिक्सेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। और इसके बाद कुछ सफिक्सेस ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताते हैं, जैसे कि ए टी ई, एक ऐसा सफिक्स है जो कि एडजेक्टिव फॉर्मिंग, नाउन फॉर्मिंग और वर्ब फॉर्मिंग तीनों होता है, ओके। इसी तरह से ए एन टी और ई एन टी, एक पेयर है जो कि नाउन फॉर्मिंग और एडजेक्टिव फॉर्मिंग दोनों होता है। इसी तरह से तीन सफिक्सेस और मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ए आर वाई, ओ आर वाई, ई आर वाई। अगर मैं ए आर वाई की बात करूँ, तो ये नाउन फॉर्मिंग एज वेल एज एडजेक्टिव फॉर्मिंग होता है। ओ आर वाई नाउन एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज होता है। ई आर वाई मोस्टली नाउन्स के लिए यूज होता है। अगर आप सभी को सफिक्सेस की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट चाहिए, मतलब कि एक कंप्लीट लिस्ट चाहिए, तो आप लोगों को रेन एंड मार्टिन, जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक होती है,
बहुत ही फेमस बुक है, आप सभी के पास होगी, इंग्लिश ग्रामर की, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। रेनन मार्टिन की किताब में एक चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शायद यही नाम है चैप्टर का। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स नाम है चैप्टर का। वहाँ पर प्रीफिक्सेस सफिक्सेस की पूरी लिस्ट दी हुई है, बहुत सारे लैटिन और ग्रीक के रूट्स भी दिए गए हैं वहाँ पर, आपको मिल जाएगा। मैंने सफिक्सेस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं तो अगर बुक है तो आप बुक से आप देख सकते हैं। इसको याद नहीं करना है, इसको एज अ रेफरेंस यूज करना है आप सभी को। मतलब आपने अगर एक वर्ड को पढ़ा और आप देखना चाहते हैं इस सफिक्स का मतलब क्या है, तो आप एज अ डिक्शनरी, एज अ रेफरेंस आप इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है, वर्ड्स को आप खुद डिफाइन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, फिर डिफिनीशन आप चेक कर सकते हैं गूगल पर या किसी डिक्शनरी में, कहाँ गलती है, कहाँ मिसमैच है, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। कुछ ही समय में आप यूज टू हो जाएंगे, वर्ड्स को डिफाइन करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको किसी वर्ड का मतलब तब तक नहीं पता है जब तक आप उस वर्ड को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वर्ड्स को हमेशा उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पढ़ें और खुद डिफाइन करें। इनिशियली डिफिकल्टी होगी, लेकिन बाद में आपकी इसमें मास्टरी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 22, ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। हाउ टू टिकल, टिकल का मतलब होता है, इट्स अ वर्ब, इसका मतलब होता है गुदगुदाना। ये टिटिलेट का सिनोनिम है, गुदगुदाना। टिटिलेट भी हमारा एक वर्ब है, ए टी ई इज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन, साथ में एडजेक्टिव, तीनों के लिए यूज होता है, सफिक्स है। टिटिलेट कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ब मीनिंग टू टिकल एंड मे बी यूज बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली। लिटरली का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम मीनिंग के लिए, और फिगरेटिवली का मतलब होता है मुहावरे की तरह, एज अ मेटाफर या फिर मेटाफोरिकली। दैट इज लिटरली यू कैन टिटिलेट बाई जेंटल टचेस इन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, मतलब कि आप लोगों को फिजिकली टच करके टिटिलेट कर सकते हैं। यू आर देन कॉजिंग एन एक्चुअल फिजिकल सेंसेशन। और फिगरेटिवली मतलब मेटाफोरिकली हम कैसे लोगों को टिटिलेट करेंगे, यू कैन टिटिलेट पीपल और देयर माइंड्स, फैंसीज, पैलेट्स बाई चार्म, ब्रिलियंस, विट मतलब इंटेलिजेंस, प्रोमिसेस मतलब कि तरह तरह के वादे करके, और इन एनी अदर वे योर इमेजिनेशन कैन कंसीव। फैंसीज का मतलब होता है, फैंसी इज ए वर्ब जिसका मतलब होता है वॉन्ट या फिर डिजायर या फिर क्रेव, लोगों के डिजायर या फिर क्रेव या फिर उनकी इच्छाओं को आप टिटिलेट कर सकते हैं अपने चार्म, ब्रिलियंस, विट, चालाकी, प्रोमिसेस से। टिटिलेशन हैज़ द एडेड मीनिंग ऑफ लाइट सेक्सुअल स्टिमुलेशन। ये एक अलग कंटेक्स्ट, ये सेक्सुअल कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, बल्कि इसी कंटेक्स्ट में हम इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। टिटिलेशन हो गया हमारा नाउन, इसका मतलब होता है लाइट सेक्सुअल स्टिमुलेशन। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फ्लैटर, फ्लैटर इज ए वर्ब जिसका मतलब होता है चापलूसी करना या फिर खुशामद करना, इंग्लिश में बोले तो लैविश प्रेज, अपना काम निकालने के लिए। लैविश प्रेज ऑफन डन इनसिंसियरली, केवल अपना काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना, उसको कहते हैं फ्लैटर। ओके, इनसिंसियरली, हाउ टू फ्लैटर। अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा, इज अ प्लीजेंट एंड कर्टियस एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। प्लीजेंट का मतलब जो कि अच्छा लगे, सुहाना लगे, कर्टियस मतलब विनम्र। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट हो गया तारीफ। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ प्लीजेंट एंड कर्टियस एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। फ्लैटरी, फ्लैटरी इज अ नाउन, फ्लैटर तो वर्ब था, फ्लैटरी इज अ नाउन, ई आर वाई इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो फ्लैटरी हो गया हमारे पास चापलूसी, फ्लैटर हो गया चापलूसी करना, फ्लैटरी हो गई चापलूसी। ठीक है, फ्लैटरी इज स्ट्रॉन्गर देन अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो हो गया था किसी की प्रशंसा करना, मतलब कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रशंसा।
इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, मतलब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन फ्लैटर इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज़ होता है फ्लैटर, वेयर एज कॉम्प्लीमेंट हम पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। फ्लैटरी इज स्ट्रॉगर देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफन कंसिडर इन सिंसियर, इन सिंसियर मतलब नॉट जेन्यून, मतलब वो दिल से तारीफ नहीं कर रहा, चापलूसी कर रहा है केवल अपना काम निकालने के लिए, नॉट जेन्यून। इन सिंसियर मतलब पाखंडी, एक तरह से कपटी, पाखंडी। ओके, एडुलेशन इज फ्लैटरी एंड वर्शिप कैरिड टू एन एक्सेसिव रिडिकुलस डिग्री, जब हद से ज़्यादा कोई किसी की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, हम उसको कहते हैं एडुलेशन। एडुलेशन इज अ नाउन, ION इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, जिसका मतलब होता है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप, ओके। देयर आर ऑफन पब्लिक फिगर्स हु रिसीव वाइड स्प्रेड एडुलेशन, बट दोस्त, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पब्लिकली फेमस है हम उसी को एडुलेट करें। टीचर को भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा, वाइफ को भी किया जा सकता है हस्बैंड के द्वारा, और डॉक्टर को भी किया जा सकता है पेशेंट्स के द्वारा, एंड सो ऑन। द डेरिवेशन इज़ फ्रॉम लैटिन वर्ब मीनिंग टू फॉन अपॉन, फॉन अपॉन। एडुलेटरी हो गया उसका एडजेक्टिव, ORY इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। वैसे नाउन फॉर्मिंग और एडजेक्टिव फॉर्मिंग दोनों होता है, इस वर्ड में ORY इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। अ सफिक्स वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज पेजेस, अदर एडजेक्टिव सफिक्सेस ALICICALOUS। ठीक है, अच्छा, फ्लैटर तो हमारा नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता था, जिसका मतलब था चापलूसी करना। कॉम्प्लीमेंट हमारा पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज होता था, जिसका मतलब है तारीफ। ओके, लेकिन एडुलेशन है हद से ज़्यादा तारीफ, ये कोई ज़रूरी नहीं है हद से ज़्यादा हम तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये केवल नेगेटिव कंटेक्स्ट में ही यूज़ हो। जैसे कि अगर कोई अपने टीचर की तारीफ करता है, कोई अगर बच्चा अगर अपने कोई स्टूडेंट अगर अपने टीचर की तारीफ कर रहा है, या फिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव कंटेक्स्ट हो गया, बस एडुलेशन का मतलब इतना हुआ कि वो रिडिकुलस डिग्री, बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा किसी की प्रशंसा, किसी की तारीफ की जा रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तीन वर्ड्स हैं हमारे पास प्रेज से रिलेटेड, एक है फ्लैटर, फ्लैटरी, फ्लैटर तो वर्ब है, फ्लैटरी देखते हैं, फ्लैटरी हो गया नाउन, ERY इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी नाउन है, ENT, और तीसरा है हमारे पास एडुलेशन, एडुलेशन भी नाउन है, ION इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, और कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास लगा है ENT और ANT एक पेयर है नाउन फॉर्मिंग एज वेल एज एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस का। यहाँ पर इस वर्ड में ENT एक नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है। तीनों ही वर्ड्स हमारे प्रेज से रिलेटेड है। ओके, फ्लैटरी होता है हमारे पास इनसिंसियर प्रेज, इनसिंसियर मतलब कि नॉट जेन्युइन, पाखंडी, तो फ्लैटरी हो गया चापलूसी या फिर खुशामद। कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लीजेंट एंड courteous expression of praise, expression of praise, praise noun है, तो एक noun के लिए मैंने noun को use किया define करने के लिए। ठीक है, तो flattery भी था praise, लेकिन वो insincere था। compliment हो गया प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। adulation हो गया hero worship, मतलब कि वर्शिप, प्रेज कैरिड टू एन एक्सेसिव रिडिकुलस डिग्री, प्रेज कैरिड टू एन एक्सेसिव डिग्री, एक्सेसिव एंड रिडिकुलस,
रिडिकुलस की स्पेलिंग रिडिकुलस, डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेज ऑफ राइटिंग, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है मना करना, फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट करना, टू प्रोहिबिट। इसका नाउन हो गया प्रोस्क्रिप्शन, मतलब प्रोहिबिशन। प्रोस्क्राइब इज कॉमनली यूज फॉर मेडिकल, रिलीजियस और लीगल प्रोहिबिशंस। ये मेडिकल कंटेक्स्ट में, रिलीजियस कंटेक्स्ट में या फिर लीगल प्रोहिबिशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो इस सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने यूज़ बताया है, अ डॉक्टर प्रोस्क्राइब्स अ फूड, ड्रग और एक्टिविटी दैट माइट प्रूव हार्मफुल टू द पेशेंट। रिलीजियस कंटेक्स्ट में, द चर्च प्रोस्क्राइब्स और अनाउंसेस अ प्रोस्क्रिप्शन, मतलब प्रोहिबिशन अगेंस्ट सच एक्टिविटीज एज मे हार्म इट्स पैरिशनर्स। पैरिशनर्स होते हैं इनहेबिटेंट किसी पर्टिकुलर चर्च के, जो कि रेगुलर चर्च में जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि रेगुलर मंदिर जाते हैं। ठीक है, द लॉ प्रोस्क्राइब्स बिहेवियर विच इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक वेलफेयर। डेट्रीमेंटल का मतलब हो गया हर्टफुल या फिर डैमेजिंग या फिर टेंडिंग टू कॉज हार्म। ए एल लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स है। आगे बढ़ते हैं। द डेरिवेशन इज द प्रीफिक्स प्रो, मतलब बिफोर, प्लस स्क्रिबो स्क्रिप्टस। ये क्या हो गया? अच्छा, बैटरी लो हो गई है। स्क्रिबो स्क्रिप्टस मीन्स टू राइट। इन एंशियंट रोमन टाइम्स अ मैंस नेम वॉज रिटन ऑन अ पब्लिक बुलेटिन बोर्ड इफ ही हैड कमिटेड सम क्राइम फॉर विच हिज प्रॉपर्टी और लाइफ वॉज टू बी फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब हो गया लूज करना एज अ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। तो एंशियंट रोमन टाइम्स में अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम किया है तो उसका नाम पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था, जिससे कि और लोगों को पता चल जाता था कि हाँ उसने कुछ क्राइम किया है और उसको हमें अवॉइड करना है। ठीक उसी तरह, इन अ सिमिलर सेंस, द डॉक्टर राइट्स डाउन दोज फूड्स और एक्टिविटीज दैट आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स अगेंस्ट द पेशेंट्स हेल्थ। इन दैट वे द पेशेंट नोज टू अवॉइड देम। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रिबो स्क्रिप्टस, जिसका मतलब था टू राइट, इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोर्स ऑफ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, जैसे स्क्राइब स्क्रिबल, प्रेस्क्राइब डिस्क्राइब सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट द स्क्रिप्चर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट एटसेट्रा। जैसे डिस्क्राइब में प्रीफिक्स है डी ई, जिसका मतलब होता है डाउन। तो टू डिस्क्राइब इज इटिमोलॉजिकली टू राइट डाउन। डी ई प्रीफिक्स कई सारे वर्ड्स में एज अ नेगेटिव प्रीफिक्स भी यूज होता है। कई सारे वर्ड्स में इसका मतलब ऑफ या फिर अवे भी होता है। एज अ नेगेटिव प्रीफिक्स भी यूज होता है, यहाँ पर एज अ नेगेटिव प्रीफिक्स यूज नहीं हुआ है। ओके, तो टू डिस्क्राइब इज इटिमोलॉजिकली टू राइट डाउन। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैनस हो गया हैंड, एज इन मैनुअल लेबर। ओके, मैनुअल लेबर एज अपोज टू मशीनरी। ठीक है, विथ स्क्रिप्टस तो हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट इज समथिंग हैंड रिटन। द वर्ड वॉज कॉइंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टाइपराइटर। द स्क्रिप्चर्स आर होली राइटिंग। टू सब्सक्राइब इज, ये सारे इजी इजी वर्ड्स हैं और इन सब की इटिमोलॉजिकल मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे टू इंस्क्राइब इज टू राइट इन टू अ बुक। पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया हमारे पास रिटन आफ्टर, लैटिन पोस्ट का मतलब हो गया आफ्टर। ओके, नोट हाउ स्क्राइब वर्ब्स चेंज टू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। जैसे प्रेस्क्राइब का बन गया, ये वर्ब था, इसका नाउन बन गया प्रेस्क्रिप्शन। आई ओ एन इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। एडजेक्टिव हो गया प्रेस्क्रिप्टिव। आई वी ई इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। इसी तरह से सब्सक्राइब का हो जाएगा सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्टिव। कैन यू फॉलो द पैटर्न? तो डिस्क्राइब का क्या होगा? डिस्क्रिप्शन नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। इसी तरह से इंस्क्राइब का इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्राइब का नाउन हो जाएगा प्रोस्क्रिप्शन और प्रोस्क्रिप्टिव। आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑब्वियस। ऑब्वियस इज एन एडजेक्टिव, ओ यू एस लगा हुआ है। ओ यू एस इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। तो ऑब्वियस इज इजली सीन और अंडरस्टूड। इजली
सीन और अंडरस्टूड, या फिर क्लियर। ओके, इसको डिकोड करते हैं। ऑब्वियस इसमें प्रीफिक्स है ओबी, ओबी प्रीफिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट या फिर इन द वे। जैसे कि ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल में प्रीफिक्स है ओ बी, तो वो चीज आपके अगेंस्ट आ रही है या फिर आपके रास्ते में आ रही है। ऑब्स्टेकल इज एक तरह का रुकाव, एक तरह की रुकावट। प्लस वाया, इसमें जो रूट है वो है वाया, वाया मतलब रोड। ठीक है, मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं और कोई चीज आपके अगेंस्ट आती है, रास्ते में आती है, रास्ते में बीचों बीच आपके अगेंस्ट आ रही है, तो वो चीज आपको दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी? इजिली दिखेगी ना ये चीज, तो ऑब्वियस का मतलब होता है इजिली सीन और अंडरस्टूड या फिर क्लियर। ठीक है, तो यू आर फैमिलियर विद द वर्ड वाया, बाय बाय वे ऑफ। वाया मतलब होता है कहीं से होकर। ओके, सो यू आर फैमिलियर विद द वर्ड वाया बाय वे ऑफ, विच इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर रोड। लैटिन में रोड को कहते हैं वाया। द वाया एपिया वॉज वन ऑफ द फेमस हाईवेज ऑफ एंशियंट रोमन टाइम्स। वेन समथिंग इज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्लियर, इटिमोलॉजिकली मतलब अगर मैं रूट वर्ड से मैं मीनिंग को निकालूं, तो ऑब्वियस का मतलब होगा इट इज राइट देयर इन द मिडिल ऑफ द रोड वेयर नो वन कैन फेल टू सी इट। करेक्ट, हेंस इजिली सीन, नॉट हिडन, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस में SPIC है बेस, SPIC और SPEC ये ऑल्टरनेट स्पेलिंग है एक ही बेस के, जिसका मतलब होता है सी, जैसे की स्पेक्टेकल्स। ठीक है, सेम रूट है। तो कॉन्स्पिकुअस में प्रीफिक्स लगा हुआ है कॉन, कॉन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर, प्लस स्पीक मतलब हो गया सी, तो कॉन्स्पिकुअस का भी मतलब हो गया इजिली सीन, नॉट हिडन या फिर ऑब्वियस। करेक्ट, एंड इफ यू मीट एन ऑब्स्टेकल इन द रोड एंड डिस्पोज, ठीक है, तो ऑब्वियस का मतलब होता है इजिली सीन, मतलब कि आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई चीज आपके बीचों बीच आ रही है, वो आपके अगेंस्ट आ रही है। फ्रॉम ओबी, ओबी इज प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है अगेंस्ट या फिर इन द वे, आपके रास्ते में आ रही है, तो डेफिनेटली आप उसको मिस नहीं करेंगे। इट इज क्लियरली सीन, क्लियरली विजिबल, तो ऑब्वियस इज क्लियरली सीन। अगला वर्ड है हमारे पास ऑबिएट, इसमें भी प्रीफिक्स है ओबी जिसका मतलब होता है अगेंस्ट या फिर इन द वे। लगता है मैं टैबलेट पर कभी भी लिखना सीख नहीं पाऊंगा। प्लस वाया, वाया मतलब रोड। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और कोई चीज आपके अगेंस्ट आ गई और आपने उसको हटा दिया, तो मतलब आपने उस चीज को ऑब्विएट किया। ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव करना, टू रिमूव। ऑब्विएट इज अ वर्ब, ATE इज अ वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। इस वर्ड में वैसे नाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए, प्लस वर्ब तीनों के लिए यूज होता है। तो एंड इफ यू मीट एन ऑब्स्टेकल इन द रोड एंड डिस्पोज ऑफ इट फोर्थ विथ, यू आर डूइंग व्हाट ऑब्विएट सेज। दस इफ यू रिव्यू योर वर्क डेली इन सम कॉलेज सब्जेक्ट, फ्रेंजाइट क्रैमिंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर विल बी ऑबिएटेड। मतलब कि अगर आप डेली अपने काम को रिव्यू करते हैं, तो लास्ट में जो भर भर के जो रट्टा लगाना होता है, उसकी जरूरत नहीं होगी, दैट विल बी रिमूव्ड। लार्ज एंड स्टेडी इनकम ऑबिएट्स, मतलब रिमूव्स फियर्स ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर लार्ज इनकम है प्लस स्टेडी है, मतलब कि ग्रेजुअल है, मतलब सीजनल नहीं है, हर महीने आ रही है, रेगुलर इंटरवल्स में
अच्छी इनकम अगर हो रही है तो किसी को क्या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहेगी? नहीं रहेगी, दैट फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी विल बी रिमूव्ड. ओके, सो ऑबिएट मतलब टू ऑबिएट इज टू मेक अननेसेसरी, टू डू अवे विथ, या फिर टू प्रिवेंट बाई टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स और स्टेप्स अगेन. द नाउन इज ऑबिएशन, नाउन हो गया उसका ऑबिएशन. तो ऑबिएशन हो गया हमारे पास प्रिवेंशन या फिर फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी. आगे बढ़ते हैं. सरप्राइजिंगली वाया एक और वर्ड है हमारे पास, ट्रिवियल. ट्रिवियल में वाया है प्लस प्रीफिक्स लगा हुआ है ट्राई. ट्राई का मतलब हो गया थ्री. जहां पर तीन रोड मिलते हैं, जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारा बिजी ट्रैफिक होगा, बहुत सारे लोग होंगे. तो क्या आप इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे वहां पर? आप वहां पर इंपॉर्टेंट चीजों की, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स की वहां पर बात आप नहीं करेंगे, आप बात करेंगे अनइम्पॉर्टेंट चीजों की. तो ट्रिवियल होता है ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस. ट्रिवियल इज एन एडजेक्टिव, ए एल लगा हुआ है तो इट्स एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन होगी ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस. ट्रिवियल इज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस. लिटिल इम्पॉर्टेंस. और इसका नाउन हो गया ट्रिविया, जो कि यहां पर लिखा हुआ है. ट्रिवियल तो हो गया ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, और हमारे पास ट्रिविया हो गया अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, मतलब उन मैटर्स का हमने नाम दे दिया, अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स. ठीक है, इसका एक दूसरा ही नाउन है ट्रिवियलिटी. आप ट्रिविया कह लीजिए या फिर ट्रिवियलिटी कह लीजिए. ट्रिवियलिटी, TY, ट्रिवियलिटीज हो गया उसका बहुवचन. ठीक है, और एक और वर्ड है इनसिग्निफिकेंट, ट्रिपल्स. ट्रिपल भी हमारा नाउन है जो कि इसका सिनोनिम है. करेक्ट, ओ बी प्रीफिक्स का मतलब टू या फिर टूवर्ड्स भी होता है, जैसे कि ऑब्लिगेशन. इस वर्ड में ओ बी प्रीफिक्स का मतलब टू या फिर टूवर्ड्स है, लेकिन ऑब्स्टेकल, ऑब्वियस, और हमने एक और पढ़ा था ऑबिएट. इन सभी, इन तीनों वर्ड्स में ओ बी प्रीफिक्स का मतलब टू या टुवर्ड्स नहीं है. यहाँ पर इनका मतलब है अगेंस्ट या फिर इन द वे. ठीक है, अगेंस्ट या फिर इन द वे. एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पर, एक सेकेंड. ट्रिविया हमारा था प्लूरल नाउन, तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो करेंगे ट्रिवियलिटीज, ना कि ट्रिवियलिटी. ओके, इसके लिए जो करेक्ट इसका सिनोनिम है वो होगा ट्रिवियलिटीज. क्योंकि ट्रिविया हमारा प्लूरल नाउन है तो ट्रिवियलिटीज हो जाएगा इसका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वॉर, लैटिन मिलिटीज का मतलब होता है सोल्जर या फिर फाइटिंग मैन. तो मिलिटेट ड्राइव्स फ्रॉम मिलिटीज, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द लैटिन नाउन मीनिंग सोल्जर और फाइटिंग मैन. मिलिटेट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है रेजिस्ट करना या फिर हिंडर करना या फिर अपोज करना. रेजिस्ट, हिंडर या फिर अपोज. ओके, इट्स अ वर्ब. ATE इज अ वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स हियर. ठीक है, इफ समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू, इट फाइट्स अगेंस्ट यू, दैट इज वर्क्स टू योर डिसएडवांटेज. अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट मिलिटेट कर रही है तो वो आपके डिसएडवांटेज के लिए काम कर रही है. ठीक है, मिलिटेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रिपोजिशन अगेंस्ट. मिलिटेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रिपोजिशन अगेंस्ट एंड लाइक ऑबिएट, लाइक ऑबिएट नेवर टेक्स अ पर्सनल सब्जेक्ट. मिलिटेट और ऑबिएट कभी भी पर्सनल सब्जेक्ट नहीं लेंगे. कहने का मतलब ये है कि यू डोंट मिलिटेट अगेंस्ट एनी वन, मतलब कि आप किसी
कि अगेंस्ट मिलिटेट नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंदर की कोई हैबिट या फिर आपका कोई एक्शन या फिर आपकी कोई टेंडेंसी, वो चीज़ मिलिटेट या फिर ऑब्विएट करेगी अगेंस्ट समवन और समथिंग, ना कि आप। ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट मिलिटेट नहीं करूँगा, मेरे अंदर की हैबिट हो सकता है किसी चीज़ के लिए मिलिटेट करती हो, ठीक है, मैं ऑब्विएट नहीं करूँगा, मेरे अंदर की हैबिट, एक्शन या टेंडेंसी मिलिटेट या फिर ऑब्विएट करेगी। ओके, कभी भी पर्सनल सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे मिलिटेट और ऑब्विएट के लिए। द एडजेक्टिव नया वर्ड है हमारे पास, मिलिटेंट, इट्स एन एडजेक्टिव, ant इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, वैसे ये नाउन फॉर्मिंग भी होता है, कम्स फ्रॉम द सेम रूट, तो एज एन एडजेक्टिव हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ मिलिटेंट रिफॉर्मर इज वन हु फाइट्स फॉर रिफॉर्म्स, अ मिलिटेंट कैंपेन इज वन वेग्ड एग्रेसिवली एंड विथ डिटर्मिनेशन, द नाउन इज मिलिटेंसी, ancy इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। हमारे पास एक पेयर था ant और ent, ये नाउन फॉर्मिंग प्लस एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस का एक पेयर है, इससे हमें मिलता है एक प्योर नाउन फॉर्मिंग, एक पेयर जो कि प्योर नाउन फॉर्मिंग है, ancy और ence, ये दोनों सफिक्सेस प्योर नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं, और इसी के जैसा एक और है ancy और ence की तरह है ency, ठीक है, ant और ent नाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज होते हैं, इनसे हमें मिला ancy या फिर ancy, और ent से मिला ence या फिर ency, ये प्योर नाउन फॉर्मिंग है, ठीक है, तो मिलिटेंसी हो गया, द नाउन इज मिलिटेंसी। ओके, और मिलिटेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम उसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, इज ऑल्सो अ नाउन फॉर द पर्सन, जैसे सैली इज अ मिलिटेंट इन द वुमेन्स लिबरल मूवमेंट। दो और नए वर्ड है, मिलिट्री और मिलिशिया। मिलिट्री होती है हमारी आर्मी, मिलिशिया होता है जब इमरजेंसी के वक्त जरूरत होने पर किसी कंट्री के सिटीजन जब आर्मी को ज्वाइन करते हैं, उस आर्मी को कहते हैं मिलिशिया, ऑल्सो हैव देयर ओरिजिन इन मिलिटेस। फर्स्ट द बैड न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, लैटिन मैलस का मतलब होता है बैड या फिर ईविल, इससे हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला है मलाइन, टू मलाइन इज अ वर्ब जिसका मतलब हो गया टू स्पीक ईविल अबाउट, या फिर टू डिफेम या फिर टू स्लैंडर, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। मलाइन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव मीनिंग बैड, हार्मफुल, ईविल या फिर हेटफुल, एज इन द मलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज अनकॉन्शियस विल टू फेल। एक और एडजेक्टिव फॉर्म है इसी का, दैट इज मैलिग्नेंट, ant इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, वैसे ये नाउन भी होता है, एज इन अ मैलिग्नेंट ग्लांस, दैट इज वन शोइंग डीप हेट्रेड और अ मैलिग्नेंट ग्रोथ, ठीक है, मैलिग्नेंट ग्रोथ इज वन दैट इज कैंसरस बिकॉज इट इज बैड, इट इज डेडली। The noun of malignant is malignancy, ancy is a noun forming suffix. Okay, medical context की बात करें तो malignancy होगा कोई किसी भी तरह का cancerous growth, और अगर मैं general definition की बात करूँ तो malignancy को हम define कर सकते हैं the condition, state or attitude of harmfulness, hatefulness or evil intent etc. Okay, the noun form of the adjective malign is malignity. मलाइन एडजेक्टिव का नाउन था मैलिग्निटी, और मैलिग्नेंट एडजेक्टिव का नाउन है मैलिग्नेंसी, ठीक है, मलाइन का नाउन हो गया मैलिग्निटी, मैलिग्नेंट ये भी एडजेक्टिव है, इसका हो जाएगा मैलिग्नेंसी। ओके, कुछ और वर्ड्स हैं मैलस के ऊपर अलग लैटिन रूट्स के साथ कंबाइन करके, जैसे कि इसको हमने कंबाइन किया डिको डिक्टस के साथ, डिको डिक्टस मतलब टू से और टेल, तो बन गया मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन इज अ कर्स, श्राप, दैट इज एन ईविल सेइंग, एन ईविल सेइंग तो होगी इसकी इटिमोलॉजिकल मीनिंग, मतलब कि रूट वर्ड्स से मीनिंग, लेकिन
आप लोगों को एक्चुअल मीनिंग भी समझना है, क्योंकि आप किसी भी वर्ड को उसके इटिमोलॉजिकल मीनिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, आप उस वर्ड को उसके एक्चुअल मीनिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। इटिमोलॉजिकल मीनिंग से आपको एक्चुअल मीनिंग समझना है, और एक्चुअल मीनिंग के लिए ही वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो मैलेडिक्शन हो गया अ कर्स, रूट का होना जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, बिकॉज मैलस इज़ बैड। और डिक्टस हो गया टू से और टेल, सिर्फ मैंने किसी के बारे में बुरा कहा वो हम मैलेडिक्शन उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। मैलेडिक्शन होता है श्राप, एक्चुअल मीनिंग, वर्ड्स को उसके एक्चुअल मीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव हो गया मैलेडिक्ट्री, इसको कंबाइन किया रूट वोलो के साथ, वोलो मतलब टू विश, टू विल और टू बी विलिंग, तो बन गया मेलेवोलेंट, मतलब कि विशिंग ईविल और विशिंग हार्म, जैसे कि अ मेलेवोलेंट ग्लांस, एटीट्यूड, फीलिंग एट्सेट्रा। नाउन हो जाएगा इसका मेलेवोलेंस। एट द रूट फेशियो या फिर फैक्टस, जिसका मतलब होता है टू डू और मेक। इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पेलिंग यूज होती है वो होती है FEC या फिर FIC। इससे वर्ड बना मेलिफिशेंट, मेलिफिशेंट हो गया डूइंग हार्म और ईविल, इट इज़ एन एडजेक्टिव, और कॉजिंग हर्ट। कैन यू फिगर आउट एंड प्रोनाउंस द नाउन फॉर्म ऑफ मेलिफिशेंट? तो पैटर्न को देखते हैं, जैसे कि मेलेवोलेंट का बना था मेलेवोलेंस, मेलिफिशेंट का बन जाएगा मेलेफिशियंस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अ मेल फैक्टर इज अ रॉन्ग डूअर। ओ आर एक नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज होता है, तो मेल फैक्टर हो गया रॉन्ग डूअर और एन इविल डूअर। अ मेल फैक्टर कमिट्स अ मेल फैक्शन, मेल फैक्शन इज अ क्राइम एन इविल डीड, उसकी ओरिजिनल मीनिंग, जिस मीनिंग के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे, मेल फैक्शन इज अ क्राइम। फ्रेंच इज अ रोमांस लैंग्वेज, दैट इज अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन रोमन और लैटिन। फ्रेंच की मदर लैंग्वेज है लैटिन, एंड एज आर ऑल्सो स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन एंड रोमानियन, ये सभी लैटिन लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश एक लैटिन लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक जर्मन लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द रूट्स इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच और लैटिन के हैं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद फ्रेंच, नॉर्मन फ्रेंच ने इंग्लैंड के को हराया था, उस पर रूल किया था, इस वजह से फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, और अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द रूट्स इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच और लैटिन से आते हैं। तो लैटिन मैलस बिकेम फ्रेंच, MAL मैल, जिसका मतलब होता है बैड। तो द सोर्स ऑफ मैल एड्रॉइट, एड्रॉइट था हमारा फ्रेंच में राइट हैंड, अगर आपको याद हो तो एड्रॉइट हो गया स्किलफुल, तो मेल एड्रॉइट हो जाएगा हमारा नॉट स्किलफुल, या फिर क्लमजी, बंगलिंग, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल, इटिमोलॉजिकली हैविंग अ बैड राइट हैंड। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, और राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड से एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्किलफुल होता है, ठीक है। इसका नाउन हो जाएगा मेल एड्रॉइटनेस, ओके। तो मेल एड्रॉइटनेस नाउन है, तो अनस्किलफुल तो एडजेक्टिव था, मेल एडॉल्टनेस का हो जाएगा अनस्किल। ऑल्सो फ्रॉम फ्रेंच मेल इज मेलेज, मेलेज होता है हमारा इनडेफिनिट फीलिंग ऑफ बॉडली डिस्कम्फर्ट एज इन अ माइल्ड इलनेस, या फिर बैड ईज, जस्ट एज डिजीज, लैक ऑफ ईज, ओके। किसी भी तरह की बॉडली डिस्कम्फर्ट को हम कहेंगे मेलेज। अदर कॉमन वर्ड्स डेट यू आर फेमिलियर विथ ऑल्सो स्प्रिंग फ्रॉम लैटिन मैलस, जैसे कि मेलेशियस। मैलस फंक्शंस एज अ प्रीफिक्स इन वर्ड्स लाइक मेल एडजस्टेड, मेल कंटेंट, मेल प्रैक्टिस, मेल न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, ऑल विद द कोनोटेशन ऑफ बैडनेस। देखिए मैलस का मतलब होता है बैड, तो जाहिर सी बात है अगर किसी वर्ड के प्रीफिक्स में MAL लगा हुआ है तो उसका वो बुरा होना बताता है, करेक्ट। रिव्यू ऑफ इटिमोलॉजी, ORY इज एन एडजेक्टिव सफिक्स, वैसे ये नाउन फॉर्मिंग सफिक्स भी होता है, हमने देखा था एडुलेटरी में। स्क्रिबो स्क्रिप्टस इज टू राइट, जैसे डिस्क्राइब हो गया, स्क्रिबल हो गया, सब्सक्राइब हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गया। डी इज डाउन, डी का मतलब ऑफ या फिर अवे भी होता है, डी एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स भी यूज होता है। मैनस इज हैंड, सब इज अंडर, इन इज इन या फिर इन टू, जैसे कि इनडोर, इनसाइड, इनफ्लेमेबल, इंजीनियस, इनविटरेट,
इन वैसे एक नेगेटिव प्रीफिक्स भी होता है, जैसे कि इम्पॉसिबल, पोस्ट हो गया आफ्टर, वाया इज रोड, हमने देखा था, ऑब्विएट, ऑब्वियस, ट्राई इज थ्री, ट्रिवियल देखा था, मिलिटिस इज सोल्जर और फाइटिंग मैन, मिलिटेंसी मिलिटेंट, मैलस इज बैड, ईविल इट्स अ नेगेटिव प्रीफिक्स, डिकोडिक्टस इज टू से और टेल, वोलो इज टू विश। इसको याद रखिएगा, इस पर हमने केवल एक वर्ड पढ़ा है तो शायद आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो, मेलेवोलेंट मेलेवोलेंस, याद रखिएगा इसे, भूलिएगा मत। फेशियो इज टू डू और मेक, ये इंग्लिश लैंग्वेज में FEC और FIC स्पेलिंग के साथ यूज़ होता है, और FY प्रीफिक्स, सॉरी, और FY सफिक्स के साथ यूज़ होता है, सफिक्स की तरह यूज़ होता है, जो कि एक वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स है। IZE और FY ये दो कॉमन वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक है ATE, लेकिन ATE नाउन फॉर्मिंग, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों होते हैं। ENCE और ANCY एक नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है, सो आर ANCE और ENCY, ठीक है, ENCE ANCE और ANCY ENCY, ये चारों नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है। वर्किंग विद द वर्ड्स, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, टिटिलेशन इज सेक्शुअल स्टिमुलेशन, ओके, एडुलेशन इज हीरो वर्शिप, ये नाउन है, एडुलेशन इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, प्रेज कैरीड ऑन टू एन एक्सेसिव एंड रिडिकुलस डिग्री, एडुलेटरी हो गया उसका एडजेक्टिव, ठीक है, वर्शिपफुल कहेंगे जैसे, या फिर एडोरिंग। प्रोस्क्रिप्शन नाउन मतलब कि प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्टिव हो गया उसका एडजेक्टिव, ओके, फॉरबिडिंग और रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग। ऑब्विएशन हो गया नाउन मतलब प्रिवेंशन। ट्रिवियल हो गया एडजेक्टिव मीन्स ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ट्रिवियलिटीज हो गया नाउन मतलब अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, उन मैटर्स को हमने नाम दे दिया, वो हो गया ट्रिवियलिटीज, उसी का सिनोनिम हो गया ट्रिवियल, इज इट इज ऑल्सो अ नाउन। मिलिटेंट ये एडजेक्टिव भी है, हम किसी पर्सन को भी कह सकते हैं मिलिटेंट। मिलिटेंसी हो गया नाउन, ओके। मलाइन इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब था हेटफुल या फिर ईविल। मैलिग्निटी हो गया इसका नाउन, ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन। मैलिग्नेंट हो गया एडजेक्टिव, सिनोनिम है मलाइन का, और मैलिग्नेंसी हो गया मैलिग्नेंट का नाउन फॉर्म, ठीक है, हेटफुलनेस। आगे बढ़ते हैं, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स मेलेडिक्शन और मेलेडिक्ट्री। मेलेडिक्शन हो गया नाउन, मेलेडिक्ट्री हो गया एडजेक्टिव, ओ आर वाई लगा हुआ है, वैसे ओ आर वाई नाउन सफिक्स भी होता है, तो मेलेडिक्शन हो गया अ कर्स, मेलेडिक्ट्री हो गया ऑफ द नेचर ऑफ कर्सेस। इसी तरह से मेलेवोलेंट और मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंट हो गया एडजेक्टिव और मेलेवोलेंस हो गया, ई एन सी ई इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो ये हो गया नाउन। मेलेवोलेंट था बियरिंग इलविल, ठीक है, मेलेवोलेंस क्वालिटी ऑफ बियरिंग इलविल, ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ विशिंग हार्म, और मेलेवोलेंट था विशिंग हार्म। मेलिफिशियंट, मेलिफिशियंस, मेलिफिशियंस हो गया नाउन, ठीक है। मेलिफिशियंट एज एन एडजेक्टिव मतलब होता है कॉजिंग हार्म, मेलिफिशियंस हो गया नाउन, तो ये हो जाएगा एक्ट ऑफ कमिटिंग या फिर कॉजिंग हार्म। मेल फैक्टर हो गया वो पर्सन, क्रिमिनल, मेल फैक्शन हो गया नाउन, ये दोनों ही नाउन है लेकिन ये हम उस पर्सन को कहेंगे, और मेल फैक्शन हो गया क्राइम। मेल एड्रॉइट इज एन एडजेक्टिव, ऑकवर्ड, क्लमजी, मेल एड्रॉइटनेस इज क्लमजीनेस। मलेज हो गया एक नाउन, किसी भी तरह की बॉडली डिस्कम्फर्ट को कहेंगे मलेज। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स प्रोहिबिशन, आई ओ एन इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो इसका हो जाएगा प्रोस्क्रिप्शन। हेटफुलनेस या फिर हार्मफुलनेस, एन ई डब्ल्यू एस लगा हुआ है, एन ई डब्ल्यू एस इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो हेटफुल और हार्मफुल के लिए हमने दो एडजेक्टिव्स पढ़े थे, मलाइन, एक था मलाइन, दूसरा था मैलिग्नेंट।
एंटी इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, वैसे नाउन भी होता है। तो मलाइन के लिए हमने नाउन पढ़ा था मैलिग्निटी, और मैलिग्नेंट के लिए हमने नाउन पढ़ा था मैलिग्नेंसी। अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हेटफुलनेस लिखा हुआ है तो या तो मैलिग्निटी आएगा या तो मैलिग्नेंसी आएगा, दोनों ही सही है। यहां पर लिखा हुआ है मैलिग्निटी, ठीक है। क्लमजीनेस NEWS इज नाउन, तो यहां पर भी नाउन आएगा। तो मेल एड्रॉइट तो हो गया हमारा एडजेक्टिव, यहां पर आएगा मेल एड्रॉइटनेस। क्वालिटी ऑफ विशिंग इविल, इलविल, क्वालिटी ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन आएगा, ठीक है। विश के लिए हमारे पास रूट था वोलो, तो मेले वोलेंस, मेले वोलेंट तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन यहां हमें नाउन लिखना है। प्रिवेंशन इज ऑब्विएशन, हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑब्विएट, लेकिन ऑब्विएट हमारा वर्ब था, यहां पर आएगा नाउन। फैक्ट है ना, फैक्ट ऑफ या फिर एक्ट ऑफ या फिर ION लगा हुआ है, फैक्ट और एक्ट ऑफ मेकिंग अननेसेसरी, ऑब्वियस ऑब्विएशन। वर्शिप, वर्शिप इज अ नाउन। एक्सेसिव फ्लैटरी, फ्लैटरी भी नाउन है, एक्सेसिव हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एज अ मॉडिफायर लगाया हुआ है कि कितनी फ्लैटरी, वो डिग्री को बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब चापलूसी करना। और वर्शिप, हद से ज़्यादा ये वर्शिप करना, वर्शिप फुल एडजेक्टिव है, वर्शिप हमारा नाउन है, तो यहाँ पर आएगा एडुलेशन, हीरो वर्शिप। वेक फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट इज मेलेज। प्लीजरेबल स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन हमारा नाउन है। देखिए गर्ल एक नाउन है ना, ब्यूटीफुल गर्ल भी तो नाउन हो गया, ब्यूटीफुल गर्ल भी तो नाउन ही होता है ना। एडजेक्टिव लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं बदलेगा, मॉडिफायर लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता है, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ, प्लीजरेबल स्टिमुलेशन इज टिटिलेशन। अ कर्स, कर्स इज अ नाउन, तो मेलेडिक्शन। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस इज मिलिटेंसी। NEWS तो नाउन है, तो ANCY, तो मिलिटेंट था हमारा एडजेक्टिव। वैसे मिलिटेंट हम किसी पर्सन को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिवनेस के लिए हम मिलिटेंट यूज़ नहीं करें, हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए जो राइट वर्ड है वो है मिलिटेंसी। आगे बढ़ते हैं। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स टू, एग्रेसिव, IVE लगा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा। फाइटिंग, फाइटिंग एक एडजेक्टिव है, एक्चुअली ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब विच कैन बी यूज एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव। जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पर स्मोकिंग एक जेरंड है, जेरंड होता है नाउन, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, RIOUS, इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर स्मोकिंग एक जेरंड है, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ नाउन। इसी तरह से बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है बॉइलिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं दोनों, लेकिन यूज हो रहे हैं यहाँ पर एज अ नाउन और यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव। तो फाइटिंग हो गया हमारा एडजेक्टिव, एग्रेसिव इज मिलिटेंट, ठीक है। ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, ऑफ लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है, वैसे भी ये ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस है एक एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज, अगर आपके पास रेनर मार्टिन की बुक है तो उसमें एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, उसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि द विजी वॉज अ वेल्दी मैन, वेल्दी हो गया हमारा एडजेक्टिव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द विजी वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। इट इज डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। फ्रेज इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। इसी तरह से नाउन फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑफ नो ग्रेट कंसिक्वेंस तो एडजेक्टिव है,
आएगा हमारा ट्रिवियल, बियरिंग इल विल। बियर का मतलब होता है टू कैरी या फिर टू होल्ड ऑन, और इल विल का मतलब होता है अनफ्रेंडली फीलिंग। तो बियरिंग इल विल का मतलब हो गया कैरिंग एन अनफ्रेंडली फीलिंग। तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका हो जाएगा मेलेवोलेंट। ओके, विशिंग हार्म इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव फ्रेज। ऑफ द नेचर ऑफ कर्सेस, अगेन एडजेक्टिव, वैसे भी ऑफ लगा हुआ है। तो मेलेडिक्शन तो था हमारा कर्स, उसका एडजेक्टिव हो गया मेलेडिक्ट्री। क्लमजी इज एन एडजेक्टिव, ऑकवर्ड इज एन एडजेक्टिव, तो मेलेड्रॉइट। वर्शिपफुल, वर्शिप था नाउन, वर्शिपफुल हो गया एडजेक्टिव। तो एडुलेशन तो नाउन था, एडुलेटरी आएगा यहाँ पर। बैड, बैड इज एन एडजेक्टिव, हार्मफुल हर्टफुल। इसके लिए हमने दो देखे थे, एक तो था मलाइन, दूसरा था मैलिग्नेंट। देखते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मलाइन। रिलेटिंग टू लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा। पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशंस इज प्रोस्क्रिप्टिव, प्रोस्क्रिप्शन था नाउन, प्रोस्क्रिप्टिव। आई वी ई इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। आगे बढ़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, डज अ मैलिग्नेंट लुक इंडिकेट काइंडली फीलिंग्स। देखिए लुक एक नाउन है, तो जाहिर सी बात है नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है, ये भी एक रूल ही है। तो मैलिग्नेंट हो गया एडजेक्टिव, जिसका मतलब है हर्टफुल हेटफुल। इंडिकेट काइंडली फीलिंग्स, नो। इज कैंसर समटाइम्स कॉल अ मैलिग्नेंसी, यस। मैलिग्नेंसी हो गया डेडली ग्रोथ, मतलब कैंसरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ। मेडिकल टर्म में ग्रोथ इज अ नाउन, कैंसरस हो गया किस तरह का ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ। ठीक है, आर ट्रिवियलिटीज इंपॉर्टेंट, ट्रिवियलिटीज हो गया नाउन। आई टी वाई लगा हुआ है ना, वैसे आई टी वाई नहीं लगा है, आई ई एस लगा हुआ है, वो आई टी वाई को हमने प्लूरल कर दिया और कुछ नहीं। आर ट्रिवियलिटीज इंपॉर्टेंट, नो। इफ योर हाउस इज क्लटर्ड विथ ट्रिविया, ट्रिविया भी नाउन है, ये इसका सिनोनिम है ट्रिवियलिटीज का। आर दोज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू, नो। ठीक है, डू पीपल इंजॉय हैविंग मेलेडिक्शंस हर्ल्ड एट देम, नो। मेलेडिक्शंस मतलब कर्स। इज अ मेलिफिशेंट एक्ट, मेलिफिशेंट मतलब हार्मफुल एक्ट। ठीक है, लाइकली टू कॉज, एक्ट तो नाउन है ना, तो मेलिफिशेंट उसके पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है, तो हार्मफुल होगा। लाइकली टू कॉज हार्म और हर्ट, यस। डज मेलेडॉइटनेस शो स्किल, नहीं, नो। ठीक है, मेलेडॉइटनेस हो गया क्लमजीनेस, ऑकवर्डनेस। इज अ मेल फैक्टर अ रॉन्ग डूअर, यस। डज एन एडुलेटरी एटीट्यूड, एटीट्यूड हो गया नाउन, उससे पहले आएगा एडजेक्टिव, तो एडुलेटरी इज एन एडजेक्टिव। शो एग्जैजरेटेड एडमायरेशन, यस, हद से ज़्यादा। इज मिलिटेंसी द सेम एज पैसिव, पैसिवनेस, नो। मिलिटेंसी हो गया हमारा एग्रेसिवनेस, नो। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, क्लमजी ऑकवर्ड इज एन एडजेक्टिव, तो मेल एड्रॉइट। बियरिंग इल विल विशिंग हार्म इज मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंस नहीं आएगा, मेलेवोलेंस तब आता है जब यहां पर लिखा होता है द क्वालिटी ऑफ बियरिंग इल विल, या फिर द स्टेट ऑफ, या फिर द कंडीशन ऑफ बीइंग मेलेवोलेंट, तब आता मेलेवोलेंस। प्लेजरेबल स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन एक नाउन है, लेकिन ये तो बताना होगा कि कैसा स्टिमुलेशन, तो हमने बाय यूजिंग अ मॉडिफायर, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव बताया है कि प्लेजरेबल, तो ये हो जाएगा टिटिलेशन। डबल एल था या डबल टी था, याद नहीं मुझे। अ पर्सन एग्रेसिवली फाइटिंग फॉर अ कॉज इज मिलिटेंट। प्रोहिबिशन इज अ नाउन, अगेंस्ट समथिंग इंजूरियस इज प्रोस्क्रिप्शन। एक्सेसिव फ्लैटरी, फ्लैटरी नाउन है, तो नाउन आएगा। बस एडजेक्टिव लगा दिया गया ये बताने के लिए कि कितनी ज़्यादा फ्लैटरी या कितनी कम फ्लैटरी, तो एक्सेसिव फ्लैटरी इज एड्यूलेशन।
देखिए बिना मॉडिफायर के हम किसी वर्ड को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लेटरी लिख देंगे तो एक्यूरेटली हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं किसी वर्ड को, इसीलिए मॉडिफायर का होना जरूरी है। वेग फीलिंग ऑफ जनरल फिजिकल डिस्कम्फर्ट इज मलेज। अ क्रिमिनल, अ रॉन्ग डूअर इज मेल फैक्टर। मूविंग ऑन, अ कर्स इज मेलेडिक्शन। अ क्राइम, बैड और इविल, एक सेकेंड, बैड और इविल एक्ट और बिहेवियर, ओके, हिज मेल फैक्शन। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स टू? फैक्ट, फैक्ट है तो नाउन आएगा, एक्ट ऑफ है तो नाउन आएगा, मेकिंग अननेसेसरी इज ऑब्विएशन। एग्रेसिव एटीट्यूड, एटीट्यूड तो नाउन है ना, तो यहां पर नाउन आएगा, इज मिलिटेंसी। एग्रेसिव एटीट्यूड भी तो नाउन ही हुआ, जैसे गर्ल नाउन था, ब्यूटीफुल गर्ल भी नाउन ही हुआ। हार्मफुल, हर्टफुल, बैड, तो इसके लिए हमने दो तो हमने पढ़े थे, मलाइन और मेलिग्नेंट, ठीक है। एक हमने और हमने ये पढ़ा था मेलिफिशेंट, इसका मतलब भी होता है हार्मफुल, हर्टफुल और बैड, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है ना, इम्पॉर्टेंस नाउन है, ठीक है, तो अनइम्पॉर्टेंट भी एडजेक्टिव, सॉरी, अनइम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है तो अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है तो अनइम्पॉर्टेंट भी एडजेक्टिव हुआ, तो यहां पर आएगा एडजेक्टिव। अनइम्पॉर्टेंट इज ट्रिवियल, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स ये नाउन है, तो ये होएगा ट्रिविया और ट्रिवियलिटीज, ठीक है। कर्सिंग, ऑफ द नेचर ऑफ कर्सेस और रिलेटिंग टू कर्सेस इज मेलेडिक्ट्री। मेलेडिक्शन था कर्स, तो यहां पर आएगा एडजेक्टिव तो मेलेडिक्ट्री। वर्शिपफुल, FUL इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, तो एडुलेशन तो नाउन था, एडुलेट्री। एंड ऑफ सेशन 22। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, वीडियो आने में देर हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब तो मत कीजिए, मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल के ग्रोथ के लिए, इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन इनवैल्यूएबल है एंड इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन आई सी माई सब्सक्राइबर्स काउंट गोइंग डाउन, सो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। और जो सफिक्स की PDF है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो है इन द सेंस कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी और वीडियो की ज़रूरत होगी। वर्ड पावर मेड इजी में 47 सेशंस हैं, अगर नॉर्मल लुइस चाहते तो इसमें 100+ सेशंस भी दे सकते थे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने हमें बताई है वो है अप्रोच, वर्ड्स को पढ़ने का सही तरीका बताया है उन्होंने। एक कहावत है कि गिव अ मैन अ फिश, गिव अ मैन अ फिश ही कैन ईट फॉर अ डे, और टीच अ मैन टू फिश ही कैन ईट फॉर हिज लाइफ टाइम। समझ रहे हैं आप?
अगर आप लोगों ने सेशन वन से लेकर अब तक के सारे वीडियोस देखे हैं तो आप सभी को वो अप्रोच पता चल चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अप्रोच के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। किसी यूट्यूब वीडियो से वीडियो के लिए आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, आई गारंटी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियोस तो मैं आगे भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं आएंगी, वीडियोस आएंगी। बस बात यह है कि आप लोग खुद इतने केपेबल हैं कि अब किसी भी वर्ड को खुद ही इटिमोलॉजिकली समझ सकते हैं और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे सेशन 23 में, जहाँ पर हम देखेंगे ओरिजिन्स और उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।